इस वक्त मैं घोट में जो पैराडाइज ग्रुप का सनसिटी प्रोजेक्ट है, मुंबई का जो सबसे बड़ा अफोर्डेबल जो टाउनशिप है, उस वक्त इस जगह पर मैं खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर कुछ सिंपल फ्लैट जो है सनसिटी के बनाए गए। मैं वो आज आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली इस फ्लैट की साइज क्या है, उसमें किस किस तरह के अमेनिटीज उसमें प्रोवाइड कराई गई है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसकी डिजाइन क्या है और एक सामान्य परिवार को रहने लायक कैसे उसको बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 BHK का हिस्सा है जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरा एरिया है 1 BHK का वो कितना साइज है उसका? सर ये टोटल जो एरिया है इसका कारपेट एरिया वो 474 है। सर इसमें हमने अभी अटैच लेटरिन बाथरूम भी दिया है, जैसे 1 BHK में वो बहुत अनकॉमन होता है, लेकिन हमने अभी इसमें वो भी दिया है जैसे हर एक चीज़ का बेनिफिट उठाया सर। मतलब 474 कारपेट एरिया है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है ये 474 जो है कारपेट एरिया है, बिल्टअप एरिया की बात नहीं चल रही है, कारपेट एरिया की बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लॉबी भी दी गई है कि ताकि अगर किसी को बाहर निकलना है तो आप यहाँ से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, जो फ्लैट्स होते हैं 474 या 350 के आसपास के, मोस्टली 1 BHK के जो फ्लैट्स कारपेट एरिया होते हैं 300, 350, 350 होते हैं, लेकिन इसमें 474 बताया गया। इसका मतलब है कि ये काफ़ी बड़ा है एक परिवार के रहने के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 BHK के हिसाब से, 1 BHK के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है ये एक वॉशरूम इसमें बनाया गया है। आप देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था बेहतरीन फिटिंग से यहाँ पे आरेखी की फिटिंग है और बिल्कुल लग्जरी स्टाइल में इसको टाइल्स वगैरह लगा के इसको डिजाइन की गई है और बेहतरीन है। आप इसके दरवाजे भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। और जिस तरह की इसमें फैसिलिटी दी गई है, ये एक 1 BHK में 2 बाथरूम इसमें है, वो 2 बाथरूम में एक मैंने पहला आपको दिखा और दूसरा जो बिल्कुल है आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां की भी फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो इसको भी बहुत ही बेहतरीन लग्जरियस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें टाइल्स जो लगाई गई है वो बेहतरीन जो फिटमेंट्स है वो भी बहुत खूबसूरत है और एक अच्छा लुक देने की इसको कोशिश की गई है। ये एक तरह से 1 BHK होने के बावजूद भी मास्टर बेडरूम जिस तरह का होता है उस तरह की जो फैसिलिटी है इसमें ये दी गई है। एक्चुअली ये जो जिस तरह से मॉडल फ्लैट बनाया गया आप देखिए इसमें किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है और ये इस तरह की डिजाइन है कि जो अमूमन 1 BHK फ्लैट्स में जो कॉमन बिल्डर्स हैं वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं देते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन भी वो नहीं करते हैं इतना जो एरिया है। और चूंकि जो पैराडाइज ग्रुप है वो हमेशा लग्जरी सेगमेंट में काम करने के लिए मशहूर रहा है, उनकी टाउनशिप बहुत बड़ी रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो उनके जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है उनकी डिमांड पर ये अफोर्डेबल जो टाउनशिप है सन सिटी ये इस प्रोजेक्ट को पेश किया गया। बहुत बड़ा एरिया है सर, पूरा ये 27 लैंड एकर्स ऑफ पार्सल में है। इसमें टोटल 26 टावर्स हमारे प्रपोज किया है हमने और अभी हमने फेज 1 और फेज 2 लॉन्च किया है जिसमें हमको बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है, जहाँ पे लोग पैराडाइज ग्रुप को देखकर उनके ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने आज हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और हम उन सबको धन्यवाद भी कहना चाहते हैं इस चीज़ का। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए और हम जो लास्ट 32 ईयर से हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं हर एक चीज़ हम जो टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं आप वो चीज़ आइए देखिए और जानिए। मतलब आप समझ लिए कि 27 यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली है, 2 फेज में काम इसका हो रहा है और उसके बाद जो अभी अलग अलग फेज में काम होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ये जो घर देखने के लिए आए हैं, मैं एक बार चाहूँगा कि आप इन्हें दिखाइए कि ये लोग आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस। जैसा कि आपने खुद सुना कि उनका कहना है कि बहुत अच्छा है, देखिए गृहिणियों को औरतों को खासतौर पर बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है कि घर कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये 1 BHK का मैं पूरा आपको एरिया दिखा रहा था, मैं आपको चाहूँगा कि इसके बिल्कुल बगल में 2 BHK तैयार किया गया, ये लॉबी है आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर ये 2 BHK का हिस्सा है। और मैं आपको अभी 1 BHK दिखाया जिसका कारपेट एरिया नितेश जी ने बताया था कि 474 है और वहाँ पर जो मास्टर बेडरूम की तरह से फैसिलिटी दी गई, मतलब 2 बाथरूम उसमें दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई रिलेटिव्स आते हैं अगर एक बाथरूम एंगेज रहता है तो फिर भी उनको ये फैसिलिटी रहेगी कि बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ ये आप देख सकते हैं ये 2 BHK का एरिया है। एक्चुअली 2 BHK में आप कितना एरिया दे रहे हैं इस बार, ये जहाँ पर हम खड़े हैं 2 BHK है,
इसका टोटल कारपेट एरिया कितना है? इसका रेरा कारपेट एरिया है 717। दूसरी जो फैसिलिटी है इसमें किस तरह की है जो 1 BHK से बेटर है? सर 1 BHK से ही इसके लिए बेटर है, क्योंकि इसमें भी सेम हम लोग ने काफ़ी सारी जो फिटिंग्स हैं, जो हमने सारी एमिनिटीज इसमें दिए हैं, सारी लग्जरियस तरीके से ही हमने दी हैं और ब्रांडेड ही सब फिटिंग्स हैं। आप देखेंगे, इक्विपमेंट्स भी देखेंगे, फ्लैट साइज देखेंगे, तो हमने बेहतरीन से बेहतरीन ही दिया है। मतलब जो 1 BHK है उसका एरिया, जो कारपेट एरिया है 474 था, और जहाँ पर अब इस वक्त हम खड़े हैं वो ये 2 BHK है, और इसका जो पूरा कारपेट एरिया है 717 है। मतलब एक बड़ा साइज है, आप समझ सकते हैं कि 2 BHK अमूमन 600 से ज़्यादा जो दूसरे बिल्डर्स हैं वो नहीं देते हैं। तो ये जो आप हिस्सा है, ये लाउंज है, और उसके बाद आपको हम यहाँ पर जो रूम है उसको दिखाना चाहेंगे। यहाँ बगल में किचन है, किचन का भी एरिया देख लीजिए, इसमें किस तरह से इसमें फैसिलिटी दी गई है, और एक परिवार के लिए बेहतरीन जो भी फिटमेंट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। टाइल्स भी बेहतरीन लगाए गए हैं, और जो यहाँ पर भी एक छोटी सी आप देखेंगे कि यहाँ पर बालकनी दी गई है, जो अगर जरूरत रहे तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस बालकनी का। और उसके बाद ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बेहतरीन ग्रेनाइट से बने गए हैं, ये टाइल्स भी खूबसूरत लगाई गई है। तो ये तो किचन का इलाका है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं तकरीबन 100 के आसपास का एक खुला इलाका दिख रहा है। और यहाँ से अब ये उस बेडरूम का एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर पहले ही इस बेडरूम के साथ साथ ये जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, एक बाथरूम बना हुआ है, और वहां पर भी उसी तरह की बेहतरीन आरेखे के फिटमेंट्स लगाए गए, उसी तरह से उसको डिजाइन किया गया, डेकोरेट किया गया है, ताकि उसका जो लग्जरियस फील है वो बरकरार रहे। इस तरह के डिजाइन में या इस तरह के काम करवाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, जबकि जो पैराडाइज ग्रुप है ये सारी चीजें आपको इसी अमेनिटी के साथ उसी कीमत में दे रहा है, जितने की कीमत में दूसरे बिल्डर्स बहुत मुश्किल से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनके दरवाजे भी देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत है, और इस तरह के डिजाइन किया गया है ताकि इसको ये खूबसूरत लगे, उसकी जो खूबसूरती भी दिखे, और जो एरिया है वो भी आपको पूरा इस रूम का आप देख सकते हैं। ये यहां पर भी छोटी सी बालकनी का जैसा आप देख सकते हैं आगे हिस्सा दिख रहा है। अब मैं आपको इस 2 BHK का दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो रूम है, उसको भी मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं, और वहां पर आपको पता चले कि यहां किस किस तरह की सुविधाएं हैं। एक छोटी सी लॉबी है, थोड़ा सा यहां पर लग रहा है ऐसा, आप यहां पर देखिए, ये एक दूसरे बेडरूम का ये जो बाथरूम है, और ये भी काफी बड़ा दिख रहा है, जिस तरह की जगह है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे फिटमेंट के साथ है। और इसी तरह का फ्लैट जो है ये रेडी पोजीशन में ऐसे ही पैराडाइज ग्रुप है सबको देने वाला है, तो जैसा दिखाया गया है वैसे ही देने की इनकी कोशिश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग देखने आए रूम, आप बताइए कि जो आपने ये अभी देखा है, ये 2 BHK आप देख रहे थे, इसका जो डिजाइन है, इसका जो कारपेट एरिया है, वो आपको कैसा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा है। पैराडाइज का जो भी प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है सारे। किस मामले में आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि कीमत में अच्छा लग रहा है या जो डिजाइन की गई है, जो उसको में फैसिलिटी दी गई? डिजाइनिंग और जो फैसिलिटी दी हुई है उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। अच्छा, डिजाइन और फैसिलिटी दोनों बहुत अच्छी लगी है, दोनों बहुत। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा रूम, देखिए ये 2 BHK का दूसरा रूम है। पहला रूम मैंने आपको पहले दिखाया था, आप देख सकते हैं कि पूरी खुली जगह है, यहाँ भी एक बालकनी दी गई है कि ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ इसका आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, और आने वाले समय में जब परिवार बढ़ता है, जरूरतें बढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है ये जगह की डिमांड जो बढ़ जाती है। आप आइए, आप देखने के लिए आई हैं। अच्छा, आपने ले लिया, ठीक है, कौन सा आपने लिया? 2 BHK। जो पैराडाइज का जो ये फ्लैट्स हैं, जो टाउनशिप है, आपको कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी है, यहाँ के बिल्डर्स बहुत अच्छे हैं, इनका मैंने 2-3 काम देखा है मैंने अपने सेक्टर 35 में वगैरह, इसलिए इधर बुक किया 2 BHK कोरल में 706। अच्छा, देखिए इन्होंने अपना घर भी बुक कर दिया, इनको पहले से एक्सपीरियंस है कि पैराडाइज ग्रुप का इन्होंने घर, उन्होंने प्रोजेक्ट देखा हुआ है जो खारगर में, अब इन्होंने यहाँ पर देखा। इसमें यहाँ पर जो ये इलाका है, अभी डेवलपिंग इलाका है, लेकिन जो टाउनशिप बन रही है वो बहुत ही लग्जरी है, जो बहुत ही महंगे कीमत में इस तरह के टाउनशिप में मकान मिलते हैं, तो सारी फैसिलिटी के साथ जिस रेट में आपको मकान मिला है उसे आप कितना सही मानते हैं? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत सस्ते में पड़ा है ये फ्लैट, मैं कभी यकीन भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतने 55 में मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, और लग्जरी फ्लैट है ये। आप समझिए कि एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया है इस पूरे टाउनशिप में, सन सिटी में, और उस थीम पार्क के साथ लग्जरी फैसिलिटी के साथ
इन्होंने 2 BHK घर खरीदा, इसलिए इनको इनको गर्व हो रहा है कि इन्होंने समय पर यह फैसला किया और इस बेहतरीन टाउनशिप में इनको घर खरीदने का मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा आपने देखा कि जो भी लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं या जो घर खरीद चुके हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारी चीजें कंपेयर की हैं दूसरे बिल्डरों के अपेक्षा, दूसरे टाउनशिप और दूसरे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके उनके मुकाबले में जो पैराडाइज के जो मकान हैं उनकी फैसिलिटी है, उनकी अमेनिटीज है, उसमें जो थीम पार्क जो दिया गया है, जो अदर फैसिलिटीज दी गई हैं और इसके सब मिलाकर जो उसका रेट तय किया गया है वो रेट कहीं ना कहीं जो आम बजट में अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उनको बहुत आकर्षित कर रही है। और यही वजह है कि अफोर्डेबल जो हाउसिंग का सेगमेंट पैराडाइज ने यहाँ पर लॉन्च किया है उसका ट्रिमेंडस रिस्पांस उसको मिला है। सिर्फ 78 दिनों में 1100 से ज्यादा, 1150 के आसपास फ्लैट बिके हैं और ये इस बात का सबूत देते हैं कि कहीं ना कहीं पैराडाइज ग्रुप जो लग्जरी सेगमेंट में हमेशा अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट देता रहा है, जब अफोर्डेबल सेगमेंट में आया है तो उसकी डिमांड कितनी बड़ी है। और वो डिमांड इसलिए है कि ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं इन दीवारों पर, ये सन सिटी का वो एंट्रेंस है जो आपको दिखाता है कि एक्चुअली ये टाउनशिप कैसे बनने वाली है और इसका लुक कैसा होगा। और आप ये देख सकते हैं ये सारी चीजें ये यहाँ पर दिखा रही हैं। ये देखिए म्यूजिकल फाउंटेन है यहाँ पर, इस टाउनशिप के बिल्कुल मध्य में है। ये इसका हिस्सा जो बाहरी है जो दिख रहा है कि ये कैसे बाहर से दिखेगी बिल्डिंग। यहाँ पर जो ये क्लब हाउस है और लेजर पूल यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसका जो गार्डनिंग है वो है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए ये जो लैंडस्केप और वाटरफॉल्स और वे पूल्स और लगून से यहाँ पर बनाए गए हैं, ये सारी इस चीज को दर्शाते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह के फैसिलिटी, किस किस तरह की अमेनिटीज एक अफोर्डेबल कीमत में अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ दी जा रही है। आप ये देख सकते हैं बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को पाना, क्योंकि ये सारे थीम पार्क हैं। ये जो थीम है, ये थीम जो टाउनशिप है ये बहुत ही महंगी होती है, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास इसमें घर होते हैं। 60 लाख के नीचे आपको ऐसे टाउनशिप में मकान नहीं मिल सकते। इसीलिए ये जो पैराडाइज ग्रुप ने जो लॉन्च किया है ये बेहतरीन है। मैं आपको दोबारा ये दिखाना चाहता हूं कि द फन एडवेंचर एंड ग्रैंडनेस ऑफ द साउथ अफ्रीका फेमस लैंडमार्क कम सेलाइब। ये साउथ अफ्रीका की जो टाउनशिप है उसको कॉपी की गई है। इंडिया में पहली बार इस तरह की टाउनशिप को लॉन्च किया गया है, थीम के साथ लॉन्च किया गया है और इसीलिए इसका जो घर खरीदने वाले जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ मकान लेके गर्व और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अभी अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने भी इसका एहसास कराया कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने पैराडाइज ग्रुप के इस बेहतरीन टाउनशिप सन सिटी में अपना घर खरीदा, इसलिए उनको खुशी है, उनको गर्व है। हम उम्मीद करते हैं अगर आप भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में हैं, अगर आप खारघर तलोजा के आसपास अपना मकान लेना चाहते हैं और लग्जरी सेगमेंट में लग्जरी सुविधाओं के साथ अगर अफोर्डेबल कीमत में अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो पैराडाइज ग्रुप का ये सन सिटी टाउनशिप आपके लिए मकान खरीदने का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बन सकता है। कैमरामैन रविचंद और घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।